इस बीच कोलकाता कांड पर तृणमूल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। टीएमसी नेता कुणाल घोष का आरोप है कि बीजेपी के लोग कल यानी 27 अगस्त को नबानो अभियान में हिंसा करने की तैयारी में है। सिर्फ इतना ही नहीं, कोलकाता में डॉक्टर्स के प्रदर्शन को टीएमसी ने बीजेपी की ओर से हिंसा फैलाने की कोशिश करार दिया है। राज्य को शांत करने की कोशिश का आरोप और ये बड़ा बयान सामने आया है तृणमूल कांग्रेस का। ये ध्यान भटकाने की कोशिश है। टीएमसी की तरफ से बीजेपी पर ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। टीएमसी ने बीजेपी पर ये बड़ा आरोप लगाया है, हिंसा की तैयारी में है बीजेपी के लोग। ये लोग ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये नॉट वी वांट जस्टिस। वो लोग जस्टिस नहीं चाहता है, जस्टिस हम लोग चाहते हैं। वो लोग पॉलिटिक्स चाहता है, चीआर का पॉलिटिक्स कर रहा है। डेमोक्रेसी में वो इलेक्शन के द्वारा जीत नहीं पाया, ये वो अभी एनआरकी तैयार करने के लिए ये कॉन्स्पिरेसी है, डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी टारगेटिंग बंगाल, और दे वांट सम डेड बॉडी। और ये वीडियो वो क्लियर कर रहा है, उसके आपस में जो बातचीत हो रहा है, ये डेड बॉडी चाहिए, ये वीडियो हम जिधर देना है हम लोग दे देंगे। 27 तारीख कुछ होने का है ये प्लान, शुभेंदु अधिकारी खुद बोले, तो ये बोलने का जरूरत क्या था? गोली चलने वाला बात क्या हो गया? नबानों में जाने का भी बात क्या हुआ? इसलिए तो कुणाल घोष बोल रहे थे कि ये एक साजिश है और ये कॉन्कॉक्टेड तैयार किया गया है कि इस तरह कुछ ये झमेला ये सब कैओस ये तैयार किया जाए। तो यही है कि लाश अगर मिलेगा, बॉडी अगर मिलेगा, तभी हम मोड़ घुड़ा पाएंगे, ये घूमेगा, नहीं तो हम मोड़ घुमा नहीं पाएंगे, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट नहीं है। पब्लिक सपोर्ट अगर रहेगा तो पब्लिक को साथ लेकर ये प्रोटेस्ट हो सकता है, ये मोड़ घुमाने का बात ये पब्लिक सपोर्ट लेके हो सकता है। पब्लिक सपोर्ट है नहीं, इसलिए कैओस तैयार करके ये करना है, ये तो बोले हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता दें, हिंसा की तैयारी में है बीजेपी के लोग। टीएमसी ने ये बड़ा आरोप लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, ये भी आशंका जताई कि 27 अगस्त को कुछ बड़ा हो सकता है। बीजेपी के लोग हिंसा की तैयारी में जुटे हुए हैं, राज्य को अशांत करने की कोशिश की जा रही है। तो माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, अशांत माहौल करने की कोशिश की जा रही है, और ये ध्यान भटकाने की कोशिश है, और ऐसे कई संगीन आरोप बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीएमसी ने बीजेपी पर लगाए हैं। कुछ बड़ा होने वाला है और हिंसा की तैयारी में बीजेपी के लोग हैं। टीएमसी को दरअसल इस पे साजिश नजर आती है, और किस तरीके से यहाँ पर वार पलटवार का सिलसिला जारी है, जिस तरीके से टीएमसी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी का घेराव किया है, बड़े आरोप लगाए हैं, और उस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। Z News.